अंदर वाला स्विंग है, पहले आपको दिखा देते हैं। ये अंदर का स्विंग है, ये इस तरह से काम करता है, ये रिमोट से काम करता है। इसके लिए यहाँ पर एक ये मोटर दिया हुआ है, 12 वोल्ट डीसी मोटर यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या हो रहता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे खोले कैसे लगाए, तो ये आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। स्क्रू होता है साइड में, क्या ये स्क्रू खुलेगा। इसके बाद ये स्क्रू निकाल लिया, उसके बाद ये देखिए ये मोटर यहाँ पे ये फिट है, ये वाला स्क्रू दिख रहा है, ये इस पर ये फिट है, ये इसे खोलते हैं। इसके साथ ये इसका लीवर रहता है, ये देखिए ये इस तरह से यहाँ फिट रहता है। फिर ये वाले कवर है, इस कवर में इस तरह से ऐसे फिट रहते हैं। यहाँ पे ये लॉक लगेगा, यहाँ पर ये लॉक लगता है और यहाँ पर ये इस तरह से लगता है, देखिए ये इस तरह से लगता है। लेकिन इसके साथ ये भी होता है जो इसको मूव कर सके। ये देखिए, ये पहले मैं दिखाता हूँ, ये मैंने इस पर लगाया, लगने के बाद और ये वाला इस पर लगाया, ये इस पर लगाया, ये हो गया फिट। यहाँ पे एक स्क्रू वापस लगा देना है, ये देखिए स्क्रू यहाँ पे वापस लग गया। अब ये हो गया, काम कर रहा है। अब इसे मैंने यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा स्क्रू का एक गुना बना हुआ है यहाँ पे आपको। एक बात का और ध्यान रखना, ये जो वायर है ये ऊपर की तरफ रहेगा। आप अगर ये वायर को मोटर को पलट के लगाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा, ये फंसेगा, ठीक है, मूव नहीं कर पाएगा। ये इजली यहाँ पे लग गया। इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ स्क्रू था, अब मैं वो लगा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर मैंने लगा दिया, ये लग गया। अब ये देखिए आसानी से ये काम करेगा, एकदम ईजली काम करेगा, कितने आराम से, देखिए ये इस तरफ आ गया पूरा, देखिए ये इस तरफ आ गया। अब ये देखिए आसानी से वो उस तरफ भी चला जाएगा, ठीक है जी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड